नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से होते हैं, किनको जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो कौन कौन जो है जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर नीडेड बाय किसको जरूरत होती है, ऑनर्स को। ऑनर कौन होते हैं, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो वो भी टाइम टू टाइम जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि जो जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिट ऑन कर रहा है, लॉस सफर कर रहा है, कितना मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। मैनेजर्स भी चाहते हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, बैंक एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो ये सब जो है ये सारी पार्टीज इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में वो आते हैं जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, जैसे ऑनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, इन सभी को बिजनेस के जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनकी जरूरत होती है। वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सफर कर रहा है। फर्स्ट है ऑनर्स। अब ऑनर्स प्रोवाइड फंड फॉर द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। ऑनर्स जो है वो फंड प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस को, ठीक है। जो बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी या ऑपरेशंस होंगे तो उसमें उनको जो बिजनेस है उसको फंड प्रोवाइड कराते हैं, एंड दे वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, और वो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना चाहते हैं। Their amount of capital, amount of current and fixed assets, debtors and creditors of the business and the profitability of the business. तो the amount of capital, वो अपने जो capital invest किया उसके बारे में जानना चाहते हैं, amount of current and fixed assets उसके बारे में information चाहते हैं, debtors and creditors कितने पैसा देना है, debtors को कितना लेना है creditors से उसके बारे में information चाहते हैं, and profitability of the business और जो business का profit हो रहा है उसके बारे में information चाहते हैं। तो ये users होते हैं। users two types के होते हैं। accounting information के users जो हैं वो two types के होते हैं। first होता है internal user और external user। यहाँ पे इकट्ठे ही दिए हैं, तो ये first और second जो है ये इंटरनल यूजर है, जो कि बिजनेस के अंदर काम करते हैं वो यूजर जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, जैसे ये ऑनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए। अब मैनेजर्स को क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, मैनेजर्स जो है उन्हें इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। मैनेजर्स नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजर्स को जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, क्यों जरूरत होती है, क्योंकि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, किसके लिए, जो बिजनेस है उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए मैनेजर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल दिया है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, बट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, whether the sales are increases or decreasing, sales जो है वो increase होगी या decrease होगी उसके बारे में decision लेने होते हैं। तो इन सभी के लिए जो है managers को भी जरूरत होती है accounting information की, क्यों, क्योंकि उन्हें efficient management करना होता है business का, उन्हें decision लेने होते हैं cost of production से related, sales से related, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो managers को भी जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ऑनर्स को भी, ऑनर्स ने उन्होंने बिजनेस को, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, उन्होंने बिजनेस के जो ऑपरेशंस होते हैं फंड इन्वेस्ट किया होता है, तो उनको भी टाइम टू टाइम अपनी कैपिटल, अपने फिक्स्ड और करंट एसेट्स, डेटर और क्रेडिटर्स और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और मैनेजर्स को भी एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनकी जरूरत होती है। तो ऑनर्स और मैनेजर्स जो है ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरत होती है, इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टर्स जो हैं, वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के को यूज करते हैं, ठीक है।
तो इन्वेस्टर जो है वो एक्सटर्नल यूजर है, एक्सटर्नल यूजर है। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो होते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में। इन्वेस्टर नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे इवेल्युएट द पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। Investors' decisions are depend upon accounting information included in the financial statement. Investor वो होते हैं जिन्होंने business में पैसा invest किया होता है, तो वो भी जब पैसा invest करते हैं तो उनको भी business की financial position का knowledge होना चाहिए। Information लेते हैं business की financial position कैसी है। अगर business की financial position अच्छी होगी, sound होगी, तो वो पैसा invest करेंगे। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर दोज आर द पर्सन हु हैव सोल्ड द गुड्स टू बिजनेस ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने गुड्स सोल्ड किया, सेल की है बिजनेस को, कैसे? ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो वो लेनदार है, उन्होंने बिजनेस से पैसा लेना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु हैव सोल्ड गुड्स टू बिजनेस ऑन क्रेडिट। दे वांट टू बी श्योर दैट देयर पेमेंट आर सिक्योर और नॉट। अब वो चाहते हैं कि उनकी जो पेमेंट है वो सिक्योर है या नहीं है, तो उसके बारे में, जो बिजनेस जो है उसके बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसकी फाइनेंशियल पोजिशन, उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो क्रेडिटर्स जो है वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट भी इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के में इंटरेस्टेड होती है, वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें इंटरेस्ट रखती है किसी भी बिजनेस से। ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स जो है उससे रिलेटेड डिसीजन और सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इसके लिए जो है गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है। गवर्नमेंट वांट्स दैट द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन प्रॉपर मैनर। गवर्नमेंट इसलिए गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर मैनर में मेंटेन किए जाए। नेक्स्ट है बैंक्स। अब बैंक्स जो है वो भी एक्सटर्नल यूजर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो बैंक्स वॉन्ट टू जज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। बैंक वॉन्ट्स टू जज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। बैंक भी जज करते हैं प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस बिफोर ग्रांटिंग अ लोन टू द बिजनेस। जब बिजनेस को, किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत होती है तो बैंक से वो लोन लेती है। तो बैंक तभी लोन देगा जब किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो साउंड होगी, अच्छी होगी। तो बैंक जो है वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट है रिसर्चर। अब रिसर्चर भी जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर वेरी यूजफुल फॉर फाइनेंशियल रिसर्चर्स हु वांट टू स्टडी डीपली द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। जो रिसर्चर होते हैं उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो डीपली स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर फर्म की फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो है उनको भी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनकी, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको भी जरूरत होती है, इंटरेस्ट रखते हैं एम्प्लॉयज भी। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर बिजनेस जो है उसकी पोजीशन अगर साउंड होगी, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो उनकी सैलरी या वेजेस जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे मोर वेजेस, बोनस एंड अदर मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अगर कोई बिजनेस जो है वो प्रॉफिट, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और तो जो एम्प्लॉयज हैं तो उनको, क्या जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस, बोनस और अदर मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। इसलिए जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इंटरेस्ट, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, और वो भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। बट कौन से यूजर्स हैं? एम्प्लॉयज जो है वो इंटरनल यूजर्स हैं।
नेक्स्ट है कस्टमर। अब कस्टमर जो है वो किस तरह से लिखते हैं, कस्टमर हैव एन इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एंटरप्राइज स्पेशली व्हेन दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट विद और आर डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्राइज। जो कस्टमर्स हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक। बिजनेस फर्म अफेक्ट मेंबर ऑफ द पब्लिक इन ए वैरायटी ऑफ वेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे असिस्ट द पब्लिक बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड रेंज ऑफ इट्स एक्टिविटीज। जो पब्लिक है, पब्लिक को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो इस तरह से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। कई बार तो क्वेश्चन जो आता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तब आपने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इकट्ठे लिख सकते हो, जैसे कि अभी एक्सप्लेन किए इकट्ठे करके लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन या व्हाट आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो एक्सटर्नल में आप ये लिखेंगे और इंटरनल में आप ये लिखेंगे। अगर अलग अलग पूछा है, अगर इंटरनल के बारे में ही पूछा है यूजर्स के बारे में, तो इंटरनल ही लिखने हैं। अगर एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में पूछा है, तो आपने इंटरनल एक्सटर्नल ही लिखने हैं। तो इंटरनल यूजर में कौन आ जाता है, मैनेजमेंट, ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स। ठीक है, एम्प्लॉयज में कौन आएगा, स्टाफ और वर्कर्स। तो ये इंटरनल यूजर्स हैं, जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो ये इंटरनल यूजर्स हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आएंगे, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, जो बिजनेस के बाहर जो जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, कस्टमर्स हैं, लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, इनको जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इनकी जरूरत होती है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंटरनल यूजर पूछे हैं या एक्सटर्नल यूजर पूछे हैं। अगर सिंपल यूजर पूछे हैं तो आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी एज अ साइंस और एज एन आर्ट। जो अकाउंटेंसी है वो साइंस है या आर्ट है, तो अकाउंटेंसी साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे है साइंस और आर्ट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंट्स अकाउंटेंसी इज अ साइंस व्हाइल बुक कीपिंग इज एन आर्ट। अकाउंटेंसी क्या है, साइंस है, और बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है। बट ये देखा जाए तो अकाउंटेंसी इज अ साइंस बिकॉज इन इट बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सेट प्रिंसिपल। अकाउंटेंसी क्या है, साइंस है, क्योंकि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन वहां पे रिकॉर्ड की जाती हैं वो कैसे की जाती हैं, बेसिस ऑफ सेट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। ठीक है, अकाउंटेंसी इज अ साइंस बिकॉज इट इज बिजनेस, इन इट बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सेट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। एंड इट इज एन आर्ट, और ये आर्ट भी है, एंड इट इज एन आर्ट एज सेट प्रिंसिपल्स आर यूज इन अ सिस्टमैटिक एंड सुटेबल मैनर। ठीक है, क्योंकि ये एक आर्ट भी है, क्योंकि जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स जो सेट किए गए हैं वो कैसे यूज होते हैं, सिस्टमैटिक एंड सुटेबल मैनर में जो है वो यूज होते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब एडवांटेज अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होंगी, एडवांटेजेस अलग अलग तरह से होती है, जैसे बिजनेस मैन के लिए अलग से होंगी, कस्टमर्स के लिए अलग से होंगी, तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ए लिखेंगे एडवांटेजेस टू
बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन के लिए क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं अकाउंटिंग की? फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या बनती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या होगा, क्या कैसे बेनिफिट होगा या कैसे एडवांटेजेस बनते हैं बिजनेसमैन के लिए? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन वेदर दे आर पर्सनल रियल और नॉमिनल। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं चाहे किसी भी नेचर की हैं, चाहे पर्सनल हैं, चाहे रियल हैं, चाहे नॉमिनल हैं। अब पर्सनल रियल और नॉमिनल क्या होता है ये भी आपके लिए नए वर्ड्स हैं। तो जो पर्सनल, जो एक पर्सन से रिलेटेड होगा ठीक है, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन होगी। रियल रियल अकाउंट ये रूल्स हैं, जैसे ये रूल्स, जैसे रूल्स होते हैं रियल का अलग से रूल्स होता है, पर्सनल का अलग से होता है, रियल का अलग से, नॉमिनल का अलग से। चाहे किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन है ठीक है, उसको सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट है। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग में जो जितने कोई भी जैसे पर्सनल नेचर का कोई ट्रांजेक्शन है, रियल नेचर का या नॉमिनल नेचर का कोई ट्रांजेक्शन है, उन सभी को सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्डिंग की जाती है। परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मेक द रिजल्ट मोर रियलिस्टिक ठीक है। अगर परमानेंट और सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की जाती है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, तो वो उसके जो रिजल्ट होंगे वो ज्यादा रियलिस्टिक होंगे। तो ये एडवांटेजेस है बिजनेसमैन के लिए। सेकेंड है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। अब इन अ लार्ज बिजनेस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसमैन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन। बड़े जो बिजनेस होते हैं उसमें ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि बिजनेसमैन जो है वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो रिमेंबर ये याद रख सके। अकाउंटिंग प्रोवाइड रिकॉर्ड्स विच विल फर्निश इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड दस इट रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी। जो अकाउंटिंग है वो प्रोवाइड करती है कि जो इंफॉर्मेशन जब अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड की जाती है सारी ही ट्रांजेक्शन, जब जरूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा सकती है। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जहां जब चाहिए होती है तो उसको यूज किया जा सकता है। तो ये भी बिजनेसमैन के लिए एडवांटेजेस है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग क्या करती है, उसका एडवांटेजेस है बिजनेसमैन के लिए कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एवरी ट्रेडर वांट्स टू गेट वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी ट्रेडर है वो ये चाहता है कि टाइम टू टाइम जो है उसको इन्फॉर्मेशन, वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज बिजनेस जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटेंसी से वो उसमें सारा रिकॉर्ड सिस्टमैटिक तरीके से होता है, साइंटिफिक तरीके से होता है। तो वहां से जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो थ्रू अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन चाहता है वहां से ले सकता है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ठीक है, सेल और परचेज का क्या अमाउंट होगा उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अमाउंट टू बी पेड और रिसीव, कितना अमाउंट पे किया है, कितना रिसीव किया है, वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल दीज इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बिजनेस प्लान के लिए ये थर्ड एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ नेट रिजल्ट। तो अकाउंटेंसी के थ्रू जो है वो एंड में जो रिजल्ट होते हैं जैसे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में या नेट प्रॉफिट के बारे में वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एबिलिटी ऑफ नेट रिजल्ट का मतलब है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता चल जाता है। इन अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ग्रॉस प्रॉफिट इज असर्टेन्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट,
ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से. एंड नेट प्रॉफिट इज असर्टेन्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक अवेलेबल द नेट रिजल्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम ऑल्सो. तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग है वो नेट रिजल्ट शो करती है बिजनेसमैन के लिए. बिजनेसमैन जो है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है थ्रू अकाउंटिंग. तो ये अकाउंटिंग का एडवांटेज, फोर्थ एडवांटेज है बिजनेसमैन के लिए. नेक्स्ट है फिफ्थ, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटेंसी जो है या अकाउंटिंग जो है वो बिजनेसमैन के लिए जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है किसी बिजनेस की वो भी प्रोवाइड कराता है. तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अकाउंटिंग हेल्प्स अ बिजनेसमैन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, टू नो द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वेदर प्रॉफिट. ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट उनको वो जो ट्रांजेक्शन है वो मनीटरी टर्म में जो है उनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है. देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी. फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉयज रिलेशन. जैसे कि इम्प्लॉयर और इम्प्लॉयज के रिलेशन होते हैं उनको मनीटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है. स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज स्ट्राइक करते हैं उसका भी उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस के लिए लॉस वो मैटर करते हैं बिजनेस के लिए. तो उसको उनको भी बिजनेस जो अकाउंटेंसी है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होती हैं या ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट उनको जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता मनीटरी टर्म में. तो ऐसे ट्रांजेक्शन ये भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बट इनको मनी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो अकाउंटेंसी में इनको नहीं लिया जाता है. दीज इवेंट्स इफेक्ट द अर्निंग ऑफ द बिजनेस. ये इवेंट्स जो है वो बिजनेस की अर्निंग पे इफेक्ट करते हैं बट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी, बट इन्हें मनीटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. सो दीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो इवेंट्स हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं. तो फर्स्ट जो फीचर है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हमें रिकॉर्ड करनी है जो मनीटरी टर्म में, जिनको हम बैचेस कर सकते हैं उनको अकाउंटेंसी में लेते हैं, और जिनको हम मॉनिटरी टर्म में जो है वो मेजर नहीं कर सकते तो वो इवेंट्स या ट्रांजेक्शन नहीं ली जाती है. नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ स्मॉल बिजनेस फर्म. इन अ स्मॉल बिजनेस फर्म ऑल ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल. तो जो बिजनेस स्मॉल बिजनेस फर्म है तो उसमें सारी ही जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में. बट इन अ बिग बिजनेस कंसर्न वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर क्वाइट लार्ज. ठीक है, जो बड़े बिजनेस कंसर्न होते हैं वहां पे ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज्यादा होती हैं. रिकॉर्डिंग इज डन इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट सच एज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एसेट्रा. अब जो छोटे बिजनेस होते हैं या छोटी फॉर्म्स होती हैं वो जो बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन उसमें थोड़ी होगी तो वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं छोटे बिजनेस जो होते हैं. बट जो बिजनेस कंसर्न बड़े होते हैं वो उनकी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो भी ज्यादा होंगी, तो उनके लिए वो जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो किसमें करते हैं? सब्सिडरी बुक्स में. अब सब्सिडरी बुक्स जो है वो क्या होती है? जैसे कैश बुक हो गई, यानी कि कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में लिखेंगे. फिर परचेज बुक होगी, सेल बुक होगी, ऐसी ही बहुत सारी बुक्स होंगी. जैसे परचेज रिटर्न बुक होगी, सेल्स रिटर्न बुक होगी, वो अलग अलग बुक्स होगी उसमें रिकॉर्ड करेंगे वो अपने ट्रांजेक्शन. बट जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को. द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस.
कितनी सब्सिडरी बुक्स जो है उनके नंबर कितने, मतलब कितनी सब्सिडरी बुक्स जो है वो यूज करनी है, तो ये साइज पे डिपेंड करता है बिजनेस का, क्या कितना बड़ा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स जो है वो फॉलो की जाती है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जो स्मॉल बिजनेस फर्म है वो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन, और जो बिग कंसर्न है, बिग बिजनेस कंसर्न है, वो अपने जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन होगी सेकेंड फीचर। थर्ड है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन। अब थर्ड में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। अब क्लासिफाई का मतलब होता है क्लासिफाई करना, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह रखना, जो अलग टाइप की ट्रांजेक्शन है उसको अलग रखना, तो ग्रुप करना, एक जैसे ही ट्रांजेक्शन को एक ग्रुप में रखना और अलग से दूसरी कोई ट्रांजेक्शन है तो उसको अलग से रखना, अलग करके रखना। तो क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन इन वन प्लेस एट वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अकाउंट, अलग अलग अकाउंट बनाने। ऑल ट्रांजेक्शन आफ्टर रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अकाउंट। अब सारी ट्रांजेक्शन जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं और उनके अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। जैसे हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा था कि क्लासिफाई तो किया जाता है, तो क्लासिफाई जब किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, तो उसमें हर अकाउंट का जो अकाउंट जो है वो अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे कैश अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, उसमें क्या होगा, कैश से रिलेटेड जो है ट्रांजेक्शन वो कैश अकाउंट में जाएंगी, परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो परचेज अकाउंट में जाएंगी, और सेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सेल्स अकाउंट में जाएंगी। तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन को, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह रखा जाता है। यहाँ पे सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन द लेजर इन द नेम ऑफ डिफरेंट पर्सन एसेट्स। जैसे अगर किसी के नाम से होगा कोई अकाउंट तो उसका नाम होगा, जैसे डिफरेंट पर्सन जो जो उसमें पर्सन का नाम आया होगा, ठीक है, तो वो उसका भी अकाउंट बनेगा, उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगी वो उसके अकाउंट में जाएंगी। एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो एसेट्स अकाउंट में जाएंगी, एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएंगी, इनकम अकाउंट में जाएंगी, सच एस बलून अकाउंट, राम एंड कंपनी अकाउंट, ऐसे ऐसे करके कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, रेंट एंड सैलरी अकाउंट, इस तरह से अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। क्लासीफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन को, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक अपने अपने अलग अलग अकाउंट में रखा जाता है। नेक्स्ट है समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर यूजफुल टू यूजर। अब समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग का मतलब होता है एक आर्ट है जिसमें क्लासिफाइड डाटा को प्रेजेंट किया जाता है किस मैनर में, यूजफुल मैनर में, जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं उनको वो क्लासिफाइड डाटा जो है वो यूजफुल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दिस इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। अब जो समराइज किया जाएगा तो यूजफुल मैनर में डाटा जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा यूजर के लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं उसके लिए फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे किसी भी बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से जो यूजर्स हैं उनको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं तो उनको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट का थर्ड होता है, थर्ड जो इंक्लूड होगा उसमें बैलेंस शीट इंक्लूड होगा, तो बैलेंस शीट से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो ये अकाउंटिंग यूजर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं उनको किसी भी बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता चल जाता है और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चल जाता है।
तो जब भी समराइजिंग किया जाएगा तो फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन। इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन का मतलब है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, सबसे जब अकाउंटिंग ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द फाइनल अकाउंट्स एंड अदर स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन मैनर, इन सच अ मैनर दैट ऑनर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मे गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन का मतलब है कि इसमें जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे दिए हैं, तो उनको प्रेजेंट किया जाता है वो डाटा और उनको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, किसी भी बिजनेस का जो किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में पता चल जाता है। उनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो यूजर्स कौन कौन से हुए, ऑनर्स जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है, पैसा लगाया होता है बिजनेस में, तो उनको भी एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। नेक्स्ट होता है मैनेजर्स, जो बिजनेस में मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने भी एफर्ट्स किए होते हैं तो उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं जिन्होंने बिजनेस से पैसा लेना होता है। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो उधार की जाती है, क्रेडिट पे होती है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होती है उसमें पैसा लेना भी होता है बिजनेस में और देना भी होता है। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं जिन्होंने बिजनेस से पैसा लेना है, तो उनको भी अपना पैसा मिलना है वापस या नहीं मिलना है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, तो यहां से वो पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर कौन होते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। उनको भी बैंक्स होते हैं, बैंक से भी बिजनेस में लोन लिया होता है तो बैंक्स भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो इस तरह से है, जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सभी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है और प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मेजर जानना चाहते हैं किसी भी बिजनेस की। थैंक यू।